कौन सा का पहला था कि जो पहला वो प्रज्ञानं सुप्रतानैः स्थिरचरणिकरा व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपि मधुलघुम् मायया भोजनो माया संघातुरीयं परमृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडूक उपनिषद के आगम आख्य प्रथम प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग चौथा मंत्र पर चल रहे हैं, जहाँ पे स्वप्न रूपी द्वितीय पाद को दिखाया जा रहा है। ध्यान रखना है, इस पैर के ऊपर चल करके हमें आत्मा तक पहुँचना है ना, इस पैर के ऊपर। और जो कि इस पैर में ही छुपा हुआ है, पैर से अलग नहीं है। इस प्रकार आप वहाँ से चल करके यहाँ पे आए पुनर्धाम से कैलाश आश्रम, अलग स्थान है दोनों, परंतु तुरी कोई अलग स्थान नहीं है, इसी के अंदर अनुष्ठुप वो अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस समय वही चेतन तत्व मन उपाधि के साथ किस नाम से कहा जाता है, तेजस नाम से कहा जाता है। वही चेतन तत्व मन उपाधि के साथ वो तेजस है, मन उपाधि छोड़ दो तो तुरी है। बस इतना ही महत्व यहाँ पे विशेष जाता है। यहाँ पे बोले थे कि स्वप्न स्थान मतलब क्या हुआ था, स्वप्न स्थान अस्य भोगृ समझ किया था, वो चेतन तत्व इस समय मतलब क्या हो गया, स्वप्न स्वाप्निक वस्तु में अभिमान करने वाला, मन में अभिमान करने वाला, मेरा है इस प्रकार भावना बनाने वाला है, कौन चेतन तत्व उपाधि के साथ मम दृष्टु अभिमानस्य विषय, अभिमान का विषय हो गया। स्वप्न स्थान भी भोग समझ है, जागृत में भी ऐसे ही अभिमान बताया था, जागृतकालीन अभिमान होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं विद्वान, ये सब जो है ये जागृतकालीन अभिमान है। स्वप्न काल में आकर के अब मेरा है, वह मैं हूँ और मेरा इस भाव को मन में जितना बैठा हो गया स्वप्न स्थान। स्वप्न स्थान फिर वहाँ पे क्या बोला, अंतःप्रज्ञा है ना, और वहाँ पे अंतःप्रज्ञा से भगवान भाष्यकार बोले थे। देखिए सामान्य रूप से स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञा सामान्य रूप से क्या होता है, जब कोई हम देखते हैं कोई वस्तु को जिस इंद्रियों के द्वारा, वो वस्तु इंद्रियों से बाहर ही होता है, दूरी होता है, मन से दर है कि नहीं, चाहे हम रूप को देखें तो हमसे बाहर है, शब्द सुने तो हमसे बाहर का शब्द सुनते हैं, क्योंकि इंद्रिय अंदर का नहीं सुन पाता है, परांची खानी व्यक्ति बाहरी वस्तु कोई देखता है दूर होता है। अब मन से भी जब देखता है तो वो भी मन बाहर ही होना चाहिए, जबकि सामान्य नियम है जो जो जिसको देखता है वो उससे देखने वाले से देखने योग्य वस्तु बाहर होता है, होता कि नहीं होता है, सामान्य नियम है। आप जो है आप बोलते हैं अंतःप्रज्ञा बोल रहे हैं, आप अंत बहिष्प्रज्ञा बोलते समय क्या हुआ था, आपको कहाँ लाया था, केवल मात्र अपने को छोड़कर स्वरूप को छोड़कर हर चीज देखता है वह, ये बहिष्प्रज्ञा था, वह अंतःप्रज्ञा में तो विशेषता क्या हुआ, हम तो अंतर भी तो वही देखोगे, आत्मा को नहीं देख पाओ, केवल इतना ही है बहिष्प्रज्ञा में जो इतना शरीर से लेकर के बाहरी वस्तु को देख रहा था, मन तो अंदर का ही देख सकता, तो अंतःप्रज्ञा में क्या हुआ विशेषता क्या हुआ, अंतःप्रज्ञा में विशेषता ये है कि जो भी वस्तु वर्तमान में आज देखती है इंद्रियों ला के देते उस समय इंद्रियों में नहीं होता बाहर होता, परंतु स्वप्न काल में जो वस्तु देखते हैं जिस समय मन अपनी कल्पित इंद्रियों को बनाता है उसके वो मन में पहले से विषय बैठा हुआ रहता है, पहले से विषय बैठा हुआ रहता है, उसी को जो अपने से बाहर बना करके देखते हैं, इसीलिए उसको अंतःप्रज्ञा बोला। बहिष्प्रज्ञा और अंतःप्रज्ञा में भिन्नता क्या है, इसको अपने आप समझना है, जब इसको समझ पाएंगे तब तो इसके भिन्न साक्षी को समझेंगे आप। बहिष्प्रज्ञा में क्या होता है, विषय बाहर ही रहता है, जो जिसको देखता है वो बाहर होता है, देखने वाला अंदर होता है, ये सामान्य नियम है। तो मन के द्वारा जब हम विषय को देखते हैं तो जो विषय को हम देखते हैं तो मन से बाहर होना चाहिए, अब जो मन से बाहर होगा तो अब मतलब तब अब क्या बोलते हैं अंतःप्रज्ञा क्यों बोलेंगे,
किंतु इतना विशेषता है कि जाग्रत काल में जब बहिष्प्रज्ञ होता है तब विषय यहाँ पे नहीं रहता, बाहर से इंद्र आहरण करके मन में देते हैं, केवल वर्तमान वस्तु को दिखाता है। और इस समय क्या कर मन के विद्यमान वस्तु को बाहर ला करके दिखाता है, इसलिए अंतप्रज्ञ। ठीक है, अब क्या इसके मुझे प्रमाण क्या दिया था भगवान भाष्यकर, बोला था कि अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रम अपादाय है, ये बृहदारण्यक श्रुति वहाँ पे बोले थे, अस्य लोकस्य जागृत काल के लोक में जितना सर्ववान जैसे धनवान धन वाला, सर्ववान मतलब सब कुछ वाला, जो चाहता है वो ही को बना सकता है, सारा करण संपद वाला जो होगा है, इसको लेकर के वो जा करके मात्रम अपादाय उसमें से कुछ जितना उनके पास सामर्थ्य है उसमें से कुछ को लेकर के वो सत्व में प्रवेश करता है और बस अपना मन मर्जी बना लेता है। स्वयं विहत्त स्वयं निर्माय, स्थूल शरीर को बिस्तर के ऊपर फेंक के रखता है और अपने आप अपना नया राज्य निर्माण कर लेते हैं। स्वेन ज्योतिषा स्वेन भाषा, अपने प्रकाश से अपने प्रकाशित वस्तुओं के द्वारा देख करके प्रसवित होता रहता है। अत्र एवं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, यहाँ पे आकर के पुरुष स्वयं ज्योति हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज को कहना का अभिप्राय है कि अंतःप्रज्ञ है और वो जो है कि बाहर अंतःप्रज्ञ विशेषता ये हुई कि विषय पहले से अंदर में विद्यमान रहता है, उस विषय उसमें से कुछ मतलब जो विषय पहले जागृत काल में देखा था उनमें से कुछ विषय को लेकर के फिर अपना राज्य नया राज्य तैयार कर लेता। यह हो गया अंतःप्रज्ञ की बात है ना। अब फिर आगे क्या बोले थे यहाँ पे कि इसी को देखिए, सर्वासाधन संपत्ति स्मृति, टीका के संपत्ति स्मृति पेज 22 टीका के नीचे से तीसरा लाइन पे देखिए, सर्वासाधन संपत्ति स्मृति सर्वाभान सर्ववान एवं सर्वावान तस् मात्रा लेश, उसमें सारा संपत्ति इनके पास है, उसमें जो कुछ अंश को लेकर के कुछ संस्कार मात्र को लेकर के तम अपादाय मतलब अपच्छिद मतलब विहित उसको लेकर के स्वपिति होता है। वासना प्रधानम स्वयं अनुभवति, बस अपने आप अपने को अनुभव करता है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, यहाँ तक हमारा कल पढ़ लिए थे। तो ये हो गया हमारा कि स्वप्न स्थान और फिर अंतःप्रज्ञ, सप्तांग एक विंशति मुखो एक ही है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये जो सारा मात्रा को लेकर के सोते हैं भगवान भाष्यकार बोले थे तथा उत्तम बृहदारण्यक में ऐसा दिखाया गया दूसरा भी है, जब तू यहाँ पे टीका में नीचे से दूसरा लाइन बीच में, जब तू स्वप्न रूपेण परिणतम मन साक्षिण विषय भवती तत्व श्रुत्यंतरम दर्शयति। जो मन हमें कल बताया था कोई वस्तु प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, कोई वस्तु बाहरी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, परंतु तो अप्रामाणिक आप नहीं कह सकते, आपके सर दर्द हो रहा है अथवा आपका हाथ में कहीं दर्द हो रहा है, आप जो है डॉक्टर के पास गया था बोले, आप किसी किस प्रमाण से दिखाएंगे आप उसको, ना उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण कुछ नहीं। हाँ इतना ही अनुमान किया जा सकता है, जो डॉक्टर के पास गया हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ परेशानी है, अब क्या परेशानी है कहाँ परेशानी है वो कोई डॉक्टर अपने आप नहीं समझ सकता, वो आप समझने वाला अपने आप बोलते हैं, तो समझने वाला अपने आप बोलते हैं और उसके लिए और कोई बाहरी प्रमाण आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं जब तू ये जो कहा गया था 8 नंबर इमम एवं अर्थम अभिप्रेत श्रुत्यंतर, और इस अर्थ के मतलब जागृत कालीन वासना को इकट्ठा करके लेके अपने साक्षी के द्वारा भाष्य होकर के वो अपने आप सोता रहता है ना, वो सोता रहता है। अब सोता कौन है, आत्मा नहीं सोता उस समय, स्वप्न अवस्था में मन भी नहीं सोता, वासना प्रोजेक्ट कर रहा है, सारा इंद्रिय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में केवल मात्र जो है आपका मन भाग को छोड़ करके अंतकरण भाग को छोड़ करके इंद्रिय सब सो जाते हैं और नया इंद्रिय बना करके देखते रहते हैं। जब तू स्वप्न रूपेण परिणतम मन साक्षिण विषयो भवति, स्वप्न रूप में परिणत हुआ जो मन, मन किस रूप में दिखाई पड़ रहा है आपको, स्वप्निक वस्तु के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, मन मन को आप अलग करके नहीं देख सकते, एकमात्र वृत्ति से ही आप मन को समझ सकते हैं। आप अगर सोचे कि मन नामक कोई वस्तु को जैसे हाथ है, क्योंकि इंद्रिया अतिद्रिय वस्तु है, मन तो अंतकरण बहिर इंद्रियों को आप नहीं देख सकते हैं, तो अंतकरण कहाँ देखेंगे, ठीक है ना, तो समझेंगे कैसे, वृत्ति के द्वारा मन का अस्तित्व कौन समझ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तू स्वप्न रूपेण परिणतम मन, अब जो मन स्वप्न रूप में परिणत हो गया इस विषय में साक्षी और क्या होता है, वो मन जो स्वप्न रूप में परिणत हो, मतलब मैं स्वप्न देख रहा हूँ या आपका सुख दुख एक कैसे आप जानते हैं, अंतकर्म जो वृत्ति है, मैंने ये समझा, ये किससे समझा, ये भी बुद्धि वृत्ति है, ये सब साक्षी वस्तु, सब साक्षी वस्तु,
इसी से इससे भिन्न साक्षी का अस्तित्व सिद्ध। जहाँ कहीं भी एक सामान्य नियम है, जहाँ कहीं भी कोई वस्तु दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई दृष्टा पीछे होगा, चाहे दृष्टा दिखाई दे चाहे ना, ठीक है ना, वही साक्षी यहाँ पे दृष्टा रूप में है। और उस साक्षी के साथ मन के साथ एक होकर, क्योंकि साक्षी यदि मन के साथ चेतन रूप में मन को चेतनता नहीं प्रदान करता, वो प्रोजेक्ट भी नहीं हो पाता। और वही एक ही साथ में मन विषय भी बना, विषयी भी बना। देख कौन रहा है? मन देख रहा है। अब देख किसको? देख जो देखने जो वस्तु क्या है, वो भी मन का ही पार्ट है। ये इसकी विशेषता है। इसमें अपने आप विषय भी मानते हैं, विषयी मानते हैं। देव बोला गया है, यत्तु स्वप्न रूपेण परिणतम मन साक्षिण विषय भवति इति तत्र श्रुत्यंतरम दश। इस विषय में दूसरा श्रुति को दिखाते हैं, इस विषय में दूसरा श्रुति को कहते हैं क्या? तत्र उक्तम अवभाषे, मतलब ये जो उस साप्निक वस्तु का अवभाष करने के लिए साक्षी एकमात्र जो है वह विद्यमान है, वो चेतन तत्व के बिना तो कुछ दिखा नहीं जा सकता। इसलिए उस विषय में एक दूसरा मतलब श्रुति को यहाँ पे कह रहे हैं। तथा परे देवे मनसि एकी भवति, है ना, ये प्रश्न पूछा चार दो, ठीक है, प्रश्न पूछा चार दो कि परे देवे मनसि एकी भवति। यहाँ पे पहले शब्द प्रयोग किया देव, दोतनात देव, जो प्रकाशशील, जो प्रकाशशील है। प्रकाशशील आप देखिए, मतलब जिसके अंदर प्रकाश करने की क्षमता है, आपकी इंद्रियों का भी प्रकाश करने की क्षमता है, बुद्धि का भी है, अहंकार भी है, वो प्रकाश करते हैं अपने अंदर के विषय को। तो उसको छोड़ करके परे विशेषण दिया, परे देवे, मतलब वहां पे क्या आपको कहाँ पहुंचना है, इस मन के माध्यम से पहुंचना कहाँ पे है, साक्षी तक पहुंचना है। क्योंकि अन्य सभी जो प्रकाशशील वस्तु है वो स्वयं प्रकाश नहीं है, वो साक्षी के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करके प्रकाशित करता है, इसीलिए इसको परे देव कहा गया है। परंतु वहां मनुष्य भी बोल रहे हैं, तीनों में शब्द में एक वचन है। तो मन के साथ एक होकर के आप मन को परोदेव नहीं कहना, गड़बड़ हो जाएगा मन का। तीनों आपको एक ही साथ दिखाई दे, परे देवे मनसि, तो मन का दो विशेषण हो गया, एक पर और देव। तो क्या आप मन को समझेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना, मैं पहले ही बोला ये मन क्या दिखाएगा आपको, आपको साक्षी तक चेतन तक पहुंचना है। इसको माध्यम बना करके ये पाद है, इस पैर के ऊपर चल करके आपको साक्षी तक पहुंचना है। यानी कि मन उपाधि के साथ वो साक्षी पर देवता है, दिखाई किसमें पर है, मन में, मन के साथ पर रहे हैं। पर देवता क्यों बोला? क्योंकि अन्य इंद्रियां भी विषय को प्रकाश करते हैं। देखिए शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, उसके पीछे अज्ञान है, अज्ञान के पीछे चेतन साक्षी है। इसे कोई विलन व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाएगा, सभी लोग मन को ही प्रकाशशील स्वयं मान करके व्यवहार करता हूँ, अधिक से अधिक मैं सब जानता हूँ बुद्धि को लेकर के बोल देंगे, परंतु साक्षी तक पहुँचने के लिए शास्त्र तक आना पड़ेगा, शास्त्र दृष्टि खोलना पड़ेगा। ये परे देवे मनसि एक ही भगवति, ध्यान रखने यहाँ पे किसको समझाने के लिए इस बात को कहा जा रहा है, स्थान विशेष में आपको अर्थ में विशेषता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बोला ये वो तुरियों को समझने के लिए ये बात है। यानी कि इस पैर पे चल करके आपको यहाँ पे खड़े होकर के विचार रूप चलन के द्वारा आपको साक्षी को दूरियों को देखना है। यहाँ पे खड़े होके इसके ऊपर चल, मतलब जागृत में खड़े होकर आपको साक्षी को देखना है, स्वप्न में खड़े होकर के साक्षी को देखना है, साक्षी के स्वरूप को देखना है कि स्वयं प्रकाश है। यहाँ पे कुछ भी प्रकाश नहीं है, बाहरी कोई प्रकाश नहीं है, बोलेंगे यहाँ पे आगे जा करके। यहाँ पे परे शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया, यहाँ पे परे देवी मतलब हो गया साक्षी, और मनुष्य का मन के साथ एक होकर के, ठीक है ना, ये नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे। एक ही भवति इति प्रस्तुत, तो उसके प्रस्तुत करके फिर क्या बोलता है, अत्र एष, ए देखिए अत्र एष देवो स्वप्ने महिमानम अनुभवति, एष देव मतलब ये साक्षी, मतलब मन उपहित चेतन, वो चेतन यहाँ पे आकर के अपने क्या बोलते हैं, अपनी महिमा को अनुभव करते हैं। महिमा क्या हो गया, अपनी वैभव को अनुभव करता है। देखो भाई आप खोलोगे सुबह उठ करके, आपको कितना दूर में सूर्य है दिखाई पड़ता है, आप मतलब हर कुछ पर क्या दिखाई पड़ते हैं, ये सामान्य महिमा है सबके पास है, ये सामान्य महिमा है सबके पास है। परंतु कुछ कुछ ऐसा जो योगी विशेष होते हैं, जो यहाँ बैठ करके दीवार के पीछे के यहाँ देख लेते हैं, वो उसका विभूति बोलते हैं, वो महिमा बोलते हैं ए? अत्र एष देव इस अवस्था में आकर के ये अंतर्जमी साक्षी क्या होता है कि महिमा न अनुभवति, मतलब क्या महिमा है,
जो विषय वहां पे नहीं होते हुए भी विषय को देखता है, ये अपनी महिमा है। समझ में आया आपको? अत्र अत्र एष देव स्वप्ने महिमा। एष देव से किसको लेंगे? वो चेतन से, साक्षी अंतर्यामी, वो मन उपाधि के साथ क्या करता है? अपनी महिमा को अनुभव करता है। अपनी महिमा को क्या, कुछ नहीं होते भी वस्तु सृष्टि करके अपनी या विषय भी बना, अपने विषय भी बना। एक एक शब्द के यदि उपनिषद के अर्थों को भक्ति का भाष्य पढ़ते तो आपको स्पष्ट होता क्या कहना चाहता है। यहाँ पे मांडू को कालिका के सापेक्ष में बिल्कुल स्पष्ट हो, हमको हमेशा फोकस करना क्या है, इसी के द्वारा हमको तुरीय को समझना है। अब यहाँ उपाधि को हटा देंगे तो चेतन शुद्ध समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं परे देवे मनसी एक ही भगवती प्रस्तुत जैसे शुरू करके अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। यहाँ पे आ करके ये देवता स्वप्न अवस्था मतलब मन के साथ एक होकर के ये देवता अपने विभूतियों को अनुभव करते हैं। क्या विभूति है कि अपने आपने विषय भी बना विषयी भी बना, मन के साथ एक होकर के अपने आप विषय भी बना विषयी भी बना। विषय दोनों से अलग है ना, दोनों से भिन्न है। विषय विषय दोनों को प्रकाश कर रही है। आप इस प्रकार पुस्तक को देख रहे हैं तो पुस्तक हो गया विषय, आप हो गया दृष्टा, परंतु मैं दोनों को देखने वाला। समझ में आया आपको? इसी प्रकार से मन हमारा ही चेतनता से अपनी महिमा को अपने बना करके अपने आप देख रहा है, और उसका मैं उससे भिन्न तुरी उसके साथ कुछ समझ टीकाकार क्या बोलते हैं, टीका में आ जाइए फिर एक एक करके पीछे चलेंगे। टीका में लास्ट टाइम परतम मनस तत् उपाधित्वात्, मन की अंतकरण की श्रेष्ठता क्यों है, अंतर परतम श्रेष्ठतम क्यों है? क्योंकि इस समय मन जो है किसका, उस चेतन का बिल्कुल नजदीक में आ गया। क्योंकि पहले है शुद्ध चेतन, उसके बाद है अज्ञान। अज्ञान से क्या, अज्ञान के माध्यम से क्या हुआ, अंतकरण की दिखाई देने लगे। और फिर चेतन की प्रकाश से अज्ञान, अज्ञान से अंतकरण, और अंतकरण से क्या हुआ, अंतकरण की वृत्तियां। अंतकरण क्या, अंतकरण की वृत्तियां, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकमात्र अविद्या व्यवधान रह गया, और वासनाओं के साथ ये चेतन क्या हो गया, संपूर्ण रूप से वासनाओं के संस्कार से इतना घिर गया, अपने को विस्तृत नहीं कर पाता। जितना वासना जगह उतना जगह पर छुप जाते हैं, उतना जगह लिमिटेड हो जाता है। जागृत में थोड़ा सुविधा है, जागृत में वासना भी है विषय भी है फैलने की जगह भी है उसको, लेकिन स्वप्न में वो नहीं है। स्वप्न बिल्कुल संस्कार के द्वारा घेरे, संस्कार के घेरे में आ जाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि परतम मनुष्य तत् उपाधित्व, मन में परत्व क्यों आया, इस समय बिल्कुल नष्टी की उपाधि रूप में वो काम कर, इसलिए उस परमात्मा की उपाधि होने के कारण साक्षी का। अथवा असाधारण करणत्व, करण किसको बोलते हैं, अपने परत्व, असाधारण कारण करण, ठीक है ना। एक हमारे कोई भी चीज के लिए साधारण असाधारण दो प्रकार के कारण होते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आस्ते रास्ते से आते आते मैं गिर गया, तो आपको कोई हमको कोई पूछा भाई तुमने गिरा क्यों, तो बोला शरीर है गिरता ही नहीं। तो गलत नहीं गया, शरीर तो गिरता है आत्मा तो नहीं गिरता। फिर आप कोई व्यक्ति ऐसा भी उत्तर दे सकते हैं कि भाई मतलब दैव था इस समय हम इसीलिए गिरा। कोई बोल सकता क्या, अरे ग्रह का खराब चल रहा है मेरा इसलिए गिर गया, ठीक है ना। अब फिर कोई ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई देखो कि मतलब मैं ये जमीन था इसलिए गिर गया, क्योंकि ये भी जहाँ पे गिर रहे हैं वहाँ पे भी गिरने के सामान्य कारण भी बनते हैं। परंतु फिर बाद में भाई ये सब तो ठीक है, विशेष कारण बताओ, ये रास्ते में मैं देख के नहीं चल रहा था, पत्थर में ठोकर मारा अथवा केले का छिलका था मैं भाग गया, ये हो गया असाधारण कारण। साधारण कारण कई है परंतु असाधारण कारण एक ही होगा, इसलिए असाधारण कारण हम कारण बोलते हैं, है ना। इस समय ये जो है कि आपको देखो जैसे कारण, इस चक्षु को कारण क्यों बोलते हैं, विषय भी है रूप भी है,
अब प्रकाश भी है, मैं भी हूँ, परंतु यदि ये चक्षु रूपी कारण नहीं है तो आपके सामने रूप प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए चक्षु को रूप के लिए असाधारण कारण करण कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि असाधारण कारण असाधारण करण करण असाधारण कारण बोलने से करण हो जाता है। असाधारण करणत्व मतलब यहाँ पे देवत्व क्यों आया, यहाँ पे दो शब्द प्रयोग किया। देखिए परे देवे मनसी एक ही भगवत है, ठीक है ना, वहां पे जो पर शब्द है पर परे देवे मन में परत्व क्यों आया, बोलो यहाँ पे परत्व मनुष्य तो इस समय वो आत्मा का बिल्कुल प्रकाश से उसी का ही बाबा और किसी में आकाश प्रकाश नहीं जा रहा शरीर में है, कार्य नहीं काम नहीं कर रहा, परत्व मनुष्य सब सुपास हो गया, उसी के अंदर से प्रकाशित हो रहा है आत्मा, उसी के अंदर से चेतना तक अभिव्यक्ति हो रहे हैं, इसलिए इसकी परत्व। अच्छा सामान्य रूप से मन की परत तो जब बोलेंगे बोलते मन अश्व दैव चक्षु, मन इस आत्मा का दैव चक्षु, क्यों, इंद्रियों केवल मात्र वर्तमान को प्रकाश करता है, मन भूत भविष्य वर्तमान तीनों को प्रकाश करता है, इसीलिए मन को पर कहा गया है। और देव क्यों कहा गया, वो प्रकाश होने के कारण, प्रकाश करने के कारण, आत्मा मन का अपना प्रकाश नहीं है, वो तो इंद्रिय अंतर्जनी का प्रकाश है, साक्षी का प्रकाश है, परंतु उसके माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार देखिए वो जो पहले जमाने में जो फिल्म दिखाते थे पीछे लाइट है, ठीक है ना, बीच में फिल्म है और पर्दा सामने है, जब फिल्म के माध्यम से भी लाइट पर्दा में आता है तो उनको दिखाई कैसे पड़ता, जहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है वहां भी इसी लाइट है उस पर्दा के ऊपर, और जिस विषय को फिल्म के माध्यम से जा रहा हूँ वहां भी वही लाइट है, फिर भी लाइट बिल्कुल अलग है। तो ये जो वहां पे दो शब्द दिया परे देवे मनसी एक ही भगति, परत्व उसमें इसके आया परत्वम मनसो उपाधित्व, मन उस समय आत्मा का उपाधि बन गया, इसलिए उसमें सबसे नस्तिक उपाधि परत्व श्रेष्ठ उपाधि है, परत्व तो श्रेष्ठ करते, और फिर उपाधित्व असाधारण कारणत्व अथवा क्या है वो असाधारण कारण है। ठीक है, दो इस कारण में वहां पे परत्व शब्द आया परे देवे, परत्व लाने के लिए क्या कारण कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये जो बोल रहे असाधारण का बोला भी मन असाधारण, उनके बिना उस अपना आप नहीं देख सकते हैं असाधारण कारण। पहला क्या था, पहला क्या सबसे नजदीक उपाधि, या तो सबसे नजदीक उपाधि और या फिर असाधारण, हाँ मतलब अंतक बुद्धि सबसे पास है, अज्ञान के मतलब हमारी आत्मा के सबसे नजदीक, आत्मा पूर्ण व्यापक है, परंतु जब आपको क्रियाशील देखेंगे तो सबसे पहले वो अंतकरण में प्रतिफलित होते हैं, अंतकरण से इंद्रिय, इंद्रिया से धूल शरीर, ये गैप होता है। अभी समझ में आएगा आपको, मतलब पहले चेतन तो पूर्ण व्यापक है परंतु चेतन की फंक्शन को समझने के लिए, उस समय चेतन की फंक्शन समझ में नहीं आएगा, फंक्शन समझने के पहले क्या चाहिए, एक अविद्या पहले चाहिए, अविद्या जैसे ही प्रोजेक्ट करेगा तभी क्या आएगा हमारे सामने अंतकरण। उस उपाधि को आश्रय करके और वहां पे क्या है एकमात्र मन की मन ही सारा चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। परत्वम तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी परत्व इस कारण है कि अपने आप ही विषय भी बनते हैं और विषय भी बनते हैं, ये इसकी परत्व एक और है, और परत्व के बाद आत्मा की सबसे पास में है, अविद्या तो रहेगा ही रहेगा, अविद्या का पहला प्रोजेक्शन अंतकरण, अविद्या का पहला प्रोजेक्शन दिस लाइट साक्षी के चेतन प्रकाश पहला, इसीलिए मन में परत्व कहा गया। फिर देवत्व क्यों कहा, आप इस प्रकार कौमा करते जानते ये पंक्ति क्यों लिख रहा, समझ में नहीं आएगा, परे देवे मनसी एक ही भवती, आनंद गिरी जी ने जो पर शब्द मतलब मन में परत्व कैसे आया, ये दो हेतु दिया, ठीक है ना, परत्तम मनुष्य एक परत्व, वो जो परे देवे मनुष्य मन में परत्व धर्म क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि तद उपाधित्व सबसे पहले वहां पर प्रकाशित होने के कारण प्रतिफलित होने का मतलब आत्मा है, आत्मा का प्रकाश उपाधि होने के कारण है। मतलब यहाँ पे जिसको तुरियो जो शुद्ध चेतन उसका भी उसको उपाधि, क्योंकि यहीं पर उसी को तो बोध कराना है और उपाधि के माध्यम से ही बोध कराना है, नहीं तो बोध नहीं होगा, एक अथवा असाधारण कारण तत्व, ठीक है, ये हो गया, इसका परत्व विशेषण के पीछे देवत्व क्यों कहा, परे देवी, तब देवत्व द्योतनात्मकत्वात्
ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से हर चीज प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। उस समय मन जो है वो स्वयं प्रकाश जैसे बन जाता है। अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, यहाँ पे आपको आपके स्वयं प्रकाश आता, आत्मा स्वयं प्रकाश किसी भी समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर किसी भी प्रकाश काम नहीं करता। सूर्य प्रकाश ज्योतिर्ब्रह्मण में ही दिखाया गया, किम ज्योतिरयम पुरुष बोलते हैं, दिन के समय व्यवहार करने सूर्य ज्योति से काम करता है, ये पुरुष सूर्य ज्योति वाला होता है। ठीक है, जिस समय सूर्य ज्योति नहीं है तो बोलते हैं चंद्रमा ज्योति वाला होता है पुरुष। ठीक है, जिसमें चंद्रमा भी नहीं है उस समय इंद्रिय ज्योति वाला होता है, बोलते हैं नहीं तो अग्नि ज्योति वाला होता है। परंतु जिस समय कोई ज्योति काम नहीं करता कौन सा ज्योति होता है, स्वयं ज्योति, वो स्वयं ज्योति आत्मज्योति। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे एक चीज, ये इतना जगह दिखाया क्यों, ये इतना जगह दिखाया क्योंकि व्यक्ति दिखाया यहाँ पे, क्या व्यक्ति दिखाया, पुरुष जिस प्रकाश से काम करता है उस प्रकाश वो काम और उस प्रकाश भिन्न होता है। इसीलिए धारणा ध्यान समाधि में जब आपको अनुभव होता है, आनंद आता है, उस समय धारणा ध्यान समाधि जो बुद्धि वृत्ति ये जो क्रिया अंदर हो रहा है, ये जिसकी प्रकाश से प्रकाशित है उससे भिन्न है। प्रकाशक हमारा से प्रकाश भिन्न, इससे आत्मा की भिन्नता असंगता भी सिद्ध हो जाता है, स्वयं प्रकाशता भी सिद्ध होता है। ठीक है ना, इसीलिए आप बोलते हैं कि मैं बोला ना भाग नहीं पाएंगे आप यहाँ से, विचार करते जाइए आप देखिए देवत्व कह रहे दो तन आत्मकत्व तन मनोज्योतिर्जुगताम। एक सूर्य आता है हमने रुद्र में आते हैं, इसकी चतुष्टोपनिषद में भी आता है, मन अन्य समय जो है बाहरी विषय को भोग करता है, इस समय मन केवल मात्र अपनी परम ज्योति को भोग करता है। मनोज्योतिर्जुगताम रुद्र में आता है, मनोज्योतिर्जुगताम जुषता मतलब जो सेवन है सेवन करते हैं, मन जो है इस समय क्या होता है स्वरूप की ज्योति का सेवन करता है। शिव संकल्प सूत्र जी, शिव अच्छा मन शिव संकल्प मस्तु, ठीक है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम मन शिव संकल्प मस्तु। अब देखो उद्दीप का आनंद गिरी, इस समय मन क्या करता है कि आत्मा को ज्योति मनो ज्योतिर्युक्ताम मन जो है आत्मरूप की ज्योति का उसको सेवन करता है। केवल कुछ नहीं है तो बाहरी विषय नहीं है, अपना संस्कार है और आत्मा ज्योति है। अब संस्कार और क्या है वो अपना संस्कार मतलब आत्मा प्रकाश के द्वारा अपने संस्कार से आनंद दे रहे हैं, सुख दुख जो भी होता भोग कर रहे हैं। इसीलिए इसके यहाँ पे देव कहा गया है, क्योंकि आत्मा की प्रकाश यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ में आता है। द्योतनाथ देवा, द्योतनाथ देव देवा दिगन के धातु से भी दीप से देव बनते हैं, इसलिए होता है द्योतन आत्मकत्व प्रकाशशील होने के कारण देवत्तम क्यों है हेतु के दिए द्योतनात्मक प्रकाशशील होने के कारण तन मनो ज्योतिर्ति शब्द दे रहे हैं, मतलब यह जो है ये कोटेशन है, मतलब वो जो आपका शिव संकल्प मस्त है ना आपका रुद्रि का पंक्ति मनो ज्योतिर्जुगताम यज्जाग्रतम दूरम उदयति देवम ततो सुप्तस्य तथामेति दूरंगम ज्योतिषं ज्योतिरेकम। यहाँ पे मनो ज्योतिर्जुगताम जो है यहाँ पे ये मन रूप जो है वो ज्योति आत्म रूपी ज्योति को जुषता मत सेवन करता है, सेवन करता है। ज्योति शब्द इस प्रकार मन का ज्योति के साथ एक करके कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे देव शब्द प्रयोग शब्द तस्मिन एक ही भवति। अब क्या हो गया, मन जो है अपने अधिष्ठान की प्रकाश करा बिल्कुल एक हो गया। पर यहाँ पर हुआ क्या, अधिष्ठान पूरा व्यापक है किसी के साथ संबंध नहीं है, परंतु मन उसको ऐसा घेर लेता है, मन उसको ऐसा उसी का प्रकाश उसी को घेरता है, जिसके ऊपर बैठा हुआ उसी को ढकता है। कौन, रज्जु सर्प जिसके ऊपर बैठा उसी को ढकता है, मन जिसके प्रकाश से प्रकाश उसी को ढक करके अपने आप प्रकाश होता है। देखो मैं ये सपना देखा, वो सपना देखा, इसी इसको देव शब्द कहा गया। देवत्व क्यों है मन, दूसरा कारण है क्योंकि मन यहाँ पे बोलते हैं परे देवे मनुष्य देवत्व वहाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सर्वभाषकत्व वर्तमान इंद्रिया केवल मन तो वर्तमान का प्रकाशक होता है, परंतु मन तो बुद्ध भविष्य वर्तमान का प्रकाश। ठीक है कि दो तनात्मकत्व तन मनो ज्योतिरिति ज्योति शब्द तस्मिन एक ही भवति, उसमें सब एक होकर के सोता है। सपने दृष्टा तत् प्रधानो भवति, मतलब क्या हो गया, एक दृष्टा रूपी साक्षी पुरुष है ना, स्वप्न काल में मन की प्रधानता से रहता है। स्वप्न काल में स्वप्न काल में दृष्टा मतलब वो साक्षी अंतर्यामी उस दृष्टा को बोलते हैं, तत् प्रधान मतलब मन प्रधानो भवति। जागृत काल में मन भी रहता है, वासना रहता है, परंतु मन मतलब वासना प्रधान होता है,
तत्प्रसाद मतलब वासना प्रधान होता है। जागृत काल में इंद्रिय है, मन भी है, वासना भी है, परंतु प्राधान्यता वहां पे बाहरी वस्तु की है। यहाँ पे प्राधान्यता मन की, मन की है, संस्कार की। इसलिए बोलते हैं सपने दृष्टा तब प्रधान मन प्रधान भवती। स्वप्नम प्रकृत, स्वप्न को विचार में ला करके अत्र स्वप्ने स्वप्रकाश दृष्टा महिमानम मनुष्य विभूति है ना, ज्ञान ज्ञेय परिणाम लक्षणम साक्षात अत्र ईश्वर देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती। ठीक है ना, मैं क्या बोला, महिमा क्या हो गया यहाँ पे? महिमा मतलब क्या है कि कोई विशेष क्षमता, कोई योगी के अंदर मतलब अपने विशेष ऐश्वर्य को विभूति को भोग करते हैं। इस प्रकार हम सभी को दिखाई देते हैं, मतलब कोई विशेष व्यक्ति अपने साधन के तरह क्या होता है कि दीवार के अंदर बहुत दूर का देख लेते हैं। यहाँ पे मन में क्या विशेषता आया कि अपने आप, हाँ अपने आप ही विषय बना करके विषय बन करके दोनों रूप में अपना सारा अंदर की महिमा को अपने आप देख लेते हैं, पूरी सृष्टि करके अपने और सृष्टि के विषय भी वो है और देखने वाला भी होती है। ये चीज यहाँ पे बोलते हैं कि स्वप्ने स्वप्न काल में दृष्टा तत् प्रधान मतलब मन प्रधान संस्कार प्रधान भवती थी। इसके स्वप्नम प्रकृति, इसको स्वप्न में विचार में उठा करके मतलब इसमें स्वप्न अवस्था को विचार में अत्र स्वप्ने अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति अत्र ऐश्व देव स्वप्ने महिमान मन हरि पंक्ति को लिख रहे आनंद गिरि जी ने। अत्र मतलब अत्र स्वप्ने ये स्वयं प्रकाश, ये देव, देव मतलब स्वप्रकाश ऊपर देखिए अत्र ऐश्व देव स्वप्ने ठीक है ना, उसका अर्थ नहीं खराब निकले जी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या जा रहा है। भाष्य को छोड़ने से आपको काम नहीं चलेगा। अपने यहाँ बोलते हैं अत्र मतलब अत्र स्वप्ने, फिर आगे है एश, एश मतलब स्वयं प्रकाश दृष्टा, एश देव स्वयं प्रकाश दृष्टा ठीक है ना, महिमान है ना। इस स्वप्न को तो पहले बोल दिया अत्र स्वप्न, अत्र के साथ अन्य किसका हो गया स्वप्न में, दोनों स्वप्न में एक वचन है। अत्र स्वप्न में एश देव मतलब स्वयं प्रकाश दृष्टा ठीक है, ऐसा देखो महिमान अनुभव, महिमान मतलब मनस विभूति, मन की विभूति को, विभूति क्या होता है कोई विशेष धर्म गुण, ये आपकी विभूति है। और ये सामान्य लोग में अंदर ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य विभूति में ये फर्क है कि अलौकिक वस्तु का विभूति बोलते हैं। ऐश्वर्य अनेक के पास हो सकता है परंतु विभूति सबके पास नहीं होता, ये मन की ये विशेष विभूति है। क्या होता है कि अपने आप ही दृष्टा और दृश्य दोनों बनते हैं, पूरा पूरा जो है चेतन को अपने संस्कार के अंदर ग्रिप मिलाता है। इसीलिए हमें बोलते हैं अत्र मनुष्य विभूति क्या होता है, देखो ज्ञान ज्ञेय परिणाम लक्षण, ज्ञान बोध रूप भी है, ज्ञेय वस्तु भी है, इस रूप में परिणत परिणत हुआ मन, कौन हुआ मन, विभाषणात्मक मन है वो किस रूप में परिणत हुआ, ज्ञान मतलब ज्ञाता, ज्ञान को असर पे जिसके अंदर हो रहा है और ज्ञेय वस्तु इस परिणत उसके तरह लक्षित हुआ मनुष्य, मनुष्य यही मन की विभूति है। विभूति को समझाने के लिए विभूति, विभूति क्या है मन की, वो अपने आप ही दृश्य दृष्टा दोनों बनता है ना, ज्ञान परिणाम उसके दोनों दोनों रूप में परिणाम, इस लक्षण साक्षात करो और इसका साक्षात कौन करता है, चेतन इसका प्रकाश करते हैं। अत्र ईश्व देव सपने महिमान मन में अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति अभिदान सब चलते हैं, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति साक्षात तथा च मनुष्य विषयत्वा न स्वप्ने तत्र आत्मगहकत्व शंका इति अर्थ है ना। इसलिए मन का विषय होने के कारण न स्वप्ने तत्र तत्र मतलब स्वप्ने स्वपरिणाम आत्मा ज्ञ ग्रहकत्व इति अर्थ, अपने आत्मा ही क्या हो गया, अपना मन के माध्यम बना करके आत्मा ही ज्ञ भी हुआ और ग्रहक भी हुआ, ज्ञाता भी हुआ। इसलिए बोलते हैं मनुष्य विषय करना स्वप्ने तत्र आत्मग्रहकत्व शंका, आत्मा आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता है ठीक है ना, आत्मग्रह आत्मा किसी को ग्रहण किए भी नहीं, मन ही ग्रहण करने वाला है, आत्मा को आश्रय लेकर आत्मा कभी भी ग्राहक भी नहीं है ग्राह्य भी नहीं है, वो क्या है आत्मा की प्रकार से मन में ही ग्रहकत्व है मन में ही ग्राह्यत्व, बस इतना ही मात्र। धनु अब प्रश्न हुआ कि आपने विश्व को जब अंत बहिष्प्रज में बोले थे तब आपने बहिष्प्रज का मतलब आपने अपने स्वरूप को छोड़ करके सबको आप बहिष्प्रज में जाता, अब फिर यहाँ पे अंत प्रज्ञ बोले तो वही चीज तो आ जाएगा, भिन्नता क्या होगा, भिन्नता क्या है अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ में, भिन्नता क्या हो जाएगा। बहिष्प्रज्ञ में क्या होता है विषय पहले से उपस्थित नहीं रहता है, अंत प्रज्ञ में क्या होता है विषय पहले से उपस्थित रहता है ठीक है ना, समझ में अंत प्रज्ञ और वही प्रोजेक्ट होता है। इसी को लेकर क्या बोलते हैं देखिए, अनु
विश्वस्य बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञायाः तैयसस्य मनोजन्य प्रज्ञायाश्च अंतस्थत्व अविशेषात् अंतप्रज्ञत्व विशेषणम् न व्यावर्तकम् इति तत्र आह। ठीक है ना, शंका कांड वाले बोलते हैं विश्व कौन हो गया? स्थूल, स्थूल व्यष्टि अभिमानी चेतन। बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञाया आप क्या होगा, ये देखिए बाहरी वस्तु इंद्रिय जन्य प्रज्ञा के द्वारा उसको आपने विश्व बोला, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। ठीक है ना, क्या हुआ कि जिस एक ध्यान रखना, जिस इंद्रिय जिस विषय को प्रकाश करते हैं वो उससे बाहर होता है, वो उससे स्थूल होता है, उससे स्थूल होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि विश्वस्य बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञा, विश्व में कौन सा प्रज्ञा रहता है, बाहरी इंद्रियों से जिस वस्तु को देखते तक संबंधित ज्ञान होता है विश्व में। ठीक है ना, और बाहरी वस्तु आप कहाँ तक लाए थे, स्वरूप को छोड़कर सारा बाहरी वस्तु, ऐसा आपने कह दिया था। अच्छा, तेजस्य मनोजन्य प्रज्ञा, तेजस क्या है, मनोजन्य प्रज्ञा है। मैं देखिए आप, मैं बोला किसी वस्तु को समझने के लिए दो प्रकार से कहा जाता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है। किसी वस्तु को समझने के लिए दिस की तुलना में साथ कह रहे हैं हम, आपको पहले विश्व के बारे में कहा, उसके साथ समानता क्या है और उसके साथ विसमानता क्या है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, ये दोनों को कहना पड़ता है। तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों में प्रज्ञा तो समान है, दोनों में ज्ञान बोध समान हो रहा है, परंतु विषय एक में विषय पहले से उपस्थित नहीं है, एक में विषय पहले उसे उपस्थित है। ये अंतप्रज्ञा, ये समझ लीजिए इस चीज को, अंतप्रज्ञा भिन्नता क्या हुआ, नहीं तो अंत पहले तो अंत मेरे भीतर का वस्तु को जानते, ये बात नहीं है, जो पहले से विद्यमान विषय है उसी को कुछ ले करके प्रोजेक्ट करके देखता है, ये इसका अंतप्रज्ञा। इसलिए आप बोलते हैं कि तेजस मनोजन्य प्रज्ञाश्च अंतस्तत्व अविशेषात्, वो अंतस्तत्व वो भी अंतर है, वो भी अंतर पहले बोलता है, तो अंतप्रज्ञत्व विशेष, अंतप्रज्ञत्व विशेषणम, आप जो चेतन का व्यवर्तक नहीं है, ये विशेषण क्यों होता है कि वर्तमानत्व से इतर व्यवर्तकत्व विशेषणत्व, वहाँ पे विद्यमान नहीं थे उनको अलग करके दिखाना, वो उनको विशेषण बोलते हैं। हम अगर यहाँ पे कहते हैं काला बैग वाला, जो काला बैग वाला एक वही दिखाई पड़ता है, वो जेल को मतलब क्या होगा, अन्य से अलग करने के लिए हम विशेषण प्रयोग करते हैं, काला बैग वाला व्यक्ति ऐसा हम कहेंगे, तो एक व्यक्ति विशेषण क्या होता है, इतर व्यवर्तक होते हैं, अन्य से अलग करने होते हैं। आप यहाँ जो विशेषण दिया अन्य प्रज्ञा तो तेजस को अलग करके नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि दोनों में तो प्रज्ञा तो समान है, जागृत कालीन भी प्रज्ञा है, स्वप्नकालीन प्रज्ञा है, इसीलिए यहाँ पे व्यवर्तक नहीं हो पाएगा, और वो भी बाहरी वस्तु को देखते भी बाहरी वस्तु को देख रहे हैं, विशेषता क्या है, अंतप्रज्ञा। अंतप्रज्ञा विशेषता यही है कि बहिष्प्रज्ञ में पहले से विषय उपस्थित नहीं रहता, और भाई अंतप्रज्ञ में विषय पहले से उपस्थित रहता है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ ध्यान देना यहाँ पे, ननु विषय विश्वस्य बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञाया तेजस मनोजन्य प्रज्ञायाश्च, दोनों में प्रज्ञा तो धर्म समान है, अंतस्थत्व अविषय, ज्ञान प्रज्ञा कहाँ का विषय है, ज्ञान बोध अंदर की विषय है, भविष्य से दोनों जगह अंतप्रज्ञत्व विषय, अंतप्रज्ञ बोलना प्रज्ञा स्वाभाविक रूप से अंदर है, वो अंतप्रज्ञ बोलना कोई इतर व्यवर्तक नहीं होता वो, ठीक है ना, इतर व्यवर्तक नहीं हो सकता है, प्रज्ञत्व विषय न व्यवर्तक हो, व्यवर्तक का काम नहीं करेगा, ऐसा शंका करता तत्र आहो, इसको उत्तर में बोलते हैं। देखो इंद्रिय अपेक्षाया, मन कहाँ किसकी अपेक्षा से, मन इंद्रिय का अपेक्षा अंदर है, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं इंद्रिय इंद्रियानि परानि आहुर इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियानि परानि आहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धिरात्मा मन पुष्पक कठोर चिंता, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, बोलते हैं इंद्रिया अपेक्षा अंतस्तत्व, इंद्रियों की अपेक्षा से अंदर होने के कारण जागृत काल में आपको इस इंद्रियों का व्यवहार करना पड़ता है, स्वप्न काल में इस इंद्रिय व्यवहार नहीं करते, और वो इंद्रियों से अंदर है, मतलब मैं यही बोला जागृत काल में विषय बाहर से आता है और आप जो है वो बाहर वही वस्तु को देखते हैं, अंत काल में विषय पहले से विद्यमान है, ये भिन्नता है। इसलिए बोलते हैं इंद्रिय अपेक्षा अंतस्थता मनस, मन उसके अंदर होने के कारण उससे भीतर है, तद वासना रूपा, यहाँ पे एक संशोधन करना पड़ेगा, आपका पुस्तक में क्या लिखा है, तद वासना रूपा, ये न नहीं है, ये च होगा, च कर लिए वासना रूपा च, उसका अंदर है और मन के अंदर पहले से वासना रूप में विद्यमान है विषय, ठीक है ना, मन के अंदर पहले से वासना रूप, इस कारण से उसका अंतप्रज्ञ कहा गया,
भाष्य में शब्दों को ठीक नहीं समझने चाहिए, इसलिए मैं बोला कि पहले से विद्यमानता और अविद्यमानता कैसे आपको कैसे पता लगे। तो बच्चों का बोलते हैं कि इंद्रिय अपेक्षा अंतस्थत्वात् मनसः तद्वासना रूपाच, मन का इंद्रिय से अंतस्थ भी है और वासना रूप भी है। स्वप्ने प्रज्ञा जैसे इस प्रकार स्वप्न काल में जिसकी प्रज्ञा है, किसकी प्रज्ञा है, चेतन से साक्षी का, ठीक है ना, साक्षी आप किसका आनंद ले रहा है, दृष्टा पुरुष साक्षी किसका आनंद ले रहा है, अपने अंदर की वासना के आनंद ले रहे हैं, वो हो गया आपका अंत प्रज्ञा। जैसे स्वप्न के आप पहले क्या बोलता है, जागृत स्थान, वो भी बहुत बड़ी समस्या, जागृत स्थान में अभिमान करने वाला है जो हो गया जागृत स्थान, उसी प्रकार स्वप्न स्थान में अभिमान करने वाला है वो हो गया स्वप्न स्थान। फिर बहिष्प्रज्ञा मतलब बाहरी विषय का प्रज्ञा है जिसका, हो गया बहिष्प्रज्ञा। इस प्रकार अंतर विषय प्रज्ञा है जिसका, तो अंत प्रज्ञा से क्या अभिप्राय है, एक हो गया इंद्रिय से सूक्ष्म है, इंद्रियों से अंदर है और अंतर में विद्यमान वस्तुओं की वासना को लेकर के देखता रहे, इसलिए अंत प्रज्ञा। समझ आइए अंत प्रज्ञा मतलब क्या हो गया, अंदर को जानना, ये बात नहीं है अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा मतलब, ये बात नहीं समझना कि अंदर को जानता है, अंदर विद्यमान वस्तु को लेकर के उसमें से कुछ जानते हैं, इसलिए अंत प्रज्ञा तो बोला। इसलिए बोलते हैं च, ये चौकार हमें नौ नहीं होगा, चौ होगा, है ना, हमें पंक्ति नहीं लगेगा, और रूपा न स्वप्न प्रज्ञा, वही रूपा ही प्रज्ञा है, दो चीज है उसका, उस मन इंद्रियों से सूक्ष्म भी है और उस समय मन अपने संस्कार को ही अपने आप अभिव्यक्त करके मन के संस्कार को जो देखता है वो हो गया अपना अंत प्रज्ञा। क्योंकि आपको यहाँ पे किसको देखना, चेतन साक्षी को दिखाना है, साक्षी को दिखाना है अंत प्रज्ञा। अच्छा फिर टीका में आ जाइए, टीका में देखिए, उपपादितम तावत विश्वस्य बहिष्प्रज्ञतम। हमने पहले आपको कथन कर के विश्व की बहिष्प्रज्ञता क्या है, कि मतलब बहिष्प्रज्ञता मतलब क्या है, कि अपने से मतलब स्वरूप को छोड़कर के सारी वस्तु की ज्ञान बाहरी बहिष्प्रज्ञ हो गया, परंतु क्या है जागृत काम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। अच्छा बहिष्प्रज्ञतम तैजसस्तु अंत प्रज्ञ विज्ञायते, तैजस की जो अंत प्रज्ञता है उसके यहाँ पे विज्ञात में श्रूयते। बाह्य इंद्रियानि अनपेक्ष मन, यहाँ पे क्या है, बाहर इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखते, मनुष्य अंतस्थत्ता को विषय कहाँ विद्यमान रहता है, मन के अंदर ही विद्यमान रहने के कारण वह अंतस्थत्ता तक परिणाम होता, अब उस अंतर में रहने जो वासना उसकी परिणाम के रूप में हम बाहर देखते हैं, इस कारण से उसका अंत प्रज्ञ स्वप्न प्रज्ञा, यहाँ स्वप्न में जो प्रज्ञा होता है तत्वान, उस अंत प्रज्ञा वाला जो है, देखिए तत् स्वप्न में जो प्रज्ञा है उस प्रज्ञा वाला जो है वो हो गया अंत प्रज्ञते। अंत प्रज्ञ शब्द बताए, देखिए बहुत बड़ी समाज को समझाने के लिए, अंत प्रज्ञ और तंत प्रज्ञ वाला, अंत प्रज्ञ वाला मतलब अपने अंदर की वासनाओं को देख, मैं पहले दिन भी बोला था कि अपने अंदर की वासनाओं को देख करके अब पीछे मत जाना, आपको आगे क्या सुधारना है वो विचार करो, है ना, वर्तमान को देख करके भविष्य के कुछ अतीत के तरफ मत जाओ, भविष्य को सुधारो। ये जो है इस पंक्ति को देखिए दोबारा कि उपपादित मत भी प्रतिपादन करके देखा गया, तावत निश्चित ही इसको हमने प्रतिपादन करके पहले दिखाया, अथवा पहले तावत शब्द पहले हमने ये प्रतिपादन किया क्या कि विश्वस्य बहिष्प्रज्ञतम, विश्व में बहिष्प्रज्ञ हमने पहले कथन करके आया, इंद्रियों के माध्यम से सभी बाहरी वस्तु को जब देखते इंद्रियों को उस समय फंक्शनित करके बहिष्प्रज्ञतम, तेजसस्तु अंत प्रज्ञ विज्ञातम, यहाँ पे श्रूयते, तेजस में क्या सुनाई दे रहा है वो अंत प्रज्ञ, तो दोनों भिन्नता क्या हुई, बाह्य इंद्रियानि अनपेक्ष मनुष्य, है ना, बाहरी इंद्रिय को अपेक्षा नहीं रखते हुए मन ही अपने आप हर चीज बना करके अपने आप देखते रहते, भाई नहीं अनपेक्ष अंतस्थ, ये अंतस्थत्व देखिए, अंतस्थत्व मतलब है बाहरी इंद्रिय जो विषय को ला करके देते हैं उसकी अपेक्षा नहीं रखते हुए अंदर में विद्यमान जो विषय उसी को प्रोजेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, अंतस्थत्व। जब तक पंक्ति को ध्यान नहीं देगी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए बाह्य इंद्रियानि अनपेक्ष मनुष्य अंतस्थत्व, मन की अंदर ही विद्यमान होने के कारण ये अंत प्रज्ञा, तो अर्थात परिणाम उसी का परिणाम के रूप में हम देखते हैं, सारा एक सारा उसी का परिणाम के रूप में हम विषय देखते हैं, उसका भोगते भी है परिणाम, स्वप्न पे दोनों जगह पे प्रज्ञा तो समान है, कौन जागृत प्रज्ञा और स्वप्न प्रज्ञा दोनों में प्रज्ञा तो समान है, परंतु जागृत प्रज्ञा में बहिष्प्रज्ञा तो स्वप्न प्रज्ञा में अंत प्रज्ञा क्यों है, क्योंकि उस समय विषय अंदर ही विद्यमान है, ठीक है ना, ये देखिए मतलब सिमिलरिटी है प्रज्ञता। और इसी प्रकार हम बोलते हैं जागृत मिथ्या कस्मा दृश्यत्वा स्वप्नवत्, इसी को मिथ्यात्व के हेतु बोलते हैं कि अवभाष्यमानत्वा दृश्यत्वा
स्वप्न में वस्तु दिखाई पड़ते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, जब स्वप्न सत्य दृश्य का जागृत होता, किसी को पूछ करके देखो, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसलिए यही है कि कालो तो उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। अब जो है जागृत भी मिथ्या, ये अनुमान अथवा यहाँ समझ सकते शास्त्र से, ठीक है ना। ये चीज को समझने यहाँ पे कि तत्परिणाम स्वप्न प्रज्ञा तद्वान अंत प्रज्ञ, इस प्रकार जो है तद्वान मतलब इस प्रकार अंत प्रज्ञा वाला जो है उसको अंत प्रज्ञ कहा जाता है, अंत प्रज्ञ कहा जाता है। उच्चारे किंच और भी देखो, मन स्वभाव भूता जा जागृत वासना तद रूपा स्वप्न प्रज्ञा इति युक्तम तेजस्य अंत प्रज्ञत्वम इति अर्थ। और भी देखो क्या है उसमें अंत प्रज्ञ तो कैसे आया, किंच मन स्वभाव भूता, ये जो वासना दो चीज है। देखिए जागृत में और स्वप्न में भिन्नता क्या होता है। पकौड़ी, पकौड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, जागृत काल में जब हम खाते हैं और खा करके मेरे को बहुत अच्छा लगा तो हमने उसको हम भी कैसे हो गए, और स्वप्न में सपना देख रहे हैं। तो जागृत काल में विषय भी है, भोज्यता भी है, भोग भी है। जागृत काल में विषय भी है, भोज्यता भी है, भोग भी है। स्वप्न काल में भोज्यता है, भोग है, परंतु विषय नहीं है, विषय नहीं है। इति बोलते हैं किंच जागृत का किंच मन स्वभाव भूता जा जागृत वासना, है ना। मन की स्वभाव भूत हो गया जो जागृत कालीन वासना, और मन का स्वरूप भूत हो गया अभी, ठीक है ना। किंच मोरोवर मन स्वभाव भूता, मन की स्वरूप होकर के विद्यमान है जहाँ जागृत वासना, जो जागृत काल में जो वस्तु खाया जिसको प्राप्त किया जाए बोला तद रूपा स्वप्न प्रज्ञा, उसी प्रकार से वह स्वप्न में हम वस्तु को देखते हैं। पकौड़ी खाइए, रसगुल्ला खाइए, जो भी कोई बाहरी विषय में बाजार में कोई वस्तु देख कर खाए अच्छा लगा और वो देसी वासना रूप में अंदर बैठा, बस हम पूर्ण देखने लग जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तद रूपा स्वप्न प्रज्ञा इति युक्तम, इसका तेजस्य अंत प्रज्ञा, इसलिए तेजस मतलब यहाँ पे तेजसत्व शब्द भी प्रयोग किया हुआ है। तेजस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ये भी समझना है आपको, तेजस क्यों बोल रहे हैं। तेजस तेजस अयम इति तेजस मतलब तेज शब्द के द्वारा तेजस प्रतिपादित होता है, तेजस अयम इति तेज मतलब तेज का ये है। तो आप देखिए कोई भी असामान्य कर्म कांड में जैसे अखंड दिया जलाना चाहते हैं, अखंड दिया जलाना चाहते हैं वहाँ पे दिया जला देते हैं, यदि उसमें क्या करते हैं लोग, एक सोने का एक सलाखा रख देते हैं, बाई चांस किसी कारण दिया बुझ जाते हैं, परंतु सोने का सलाखा को तेजस माना गया, तेज 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 द्रव्य में तेजस द्रव्य माना गया। प्रकृति के कुछ विकार ऐसा है तेजस द्रव्य बोलते हैं, घी तेज इसको भी तेजस द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा तेजस शब्द नहीं है, ये तेज का विकार नहीं है। ये तेजस क्यों है, क्योंकि इस समय इस प्रकार बाहरी वस्तु को देखने के लिए स्वरूप प्रकाश चाहिए, बाहरी कुछ काम करने के लिए अंदर प्रकाश चाहिए, बिजली का प्रकाश चाहिए, परंतु आप पढ़ने के लिए आपको चश्मा भर कर चश्मा चाहिए, परंतु जिस समय स्वप्न देखते हैं उस समय कोई प्रकाश नहीं चाहिए। ये इसकी तेजस, इसकी तेजस, ये समझ नहीं आता तेजस सत्य क्यों बोला इसको, है ना। कि वहाँ पे अंदर क्या क्या बोला वहाँ पे, पहले स्वप्न स्थान मस्त स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञ सप्तांग एक विंशति मुख तेजस प्रविविक्त भू, है ना, प्रविविक्त बोले को उसको यहाँ पे तेज किंच मन स्वभाव भूत जागृत वर्षण का स्वप्न प्रज्ञा युक्त तेजस 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 शब्द समझ में आया। तेजस मतलब तेज का विकार नहीं है, बिना किसी प्रकाश से अपने आप को प्रकाश, इसलिए तेजस होते हैं। इसलिए अत्र एवं पुरुष स्वयं ज्योति वहाँ पे सबसे अच्छे आप समझ में आते हैं। तेजसत्व प्रज्ञतम यदि अर्थ अंत प्रज्ञतम चैतस्य अंत प्रज्ञत, ये कहा स्वप्न अभिमानिन स्वप्न में अभिमान करने वाला तेज विकार तो अभाव। देखिए वहाँ पे बोल रहे हैं स्वप्न में जो विकार करते हैं तेजस क्यों बोल रहे हैं, स्वप्न में विकार करने वाला सपने में अनुभव करने वाला जो व्यक्ति वो कोई तेजस का तेज का विकार नहीं है, वो कोई घी जैसे घी तेल सुवर्ण ये सब को तेजस द्रव्य बोला जाता है, ये वो नहीं है, वो ऐसा तेजस तो नहीं है। यहाँ आदम की टीका को ठीक से पढ़ेंगे आपको इतना क्लैरिटी आएगा विषय के ऊपर, और ध्यान से पढ़ना पड़े क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न अभिमानी न तेज विकारत्व अभाव, स्वप्न में अभिमान करने वाला जो है वो तेज का विकार नहीं है, तेजस अयम इति तेजस ये बात नहीं है,
देश का विकार नहीं है, विकार तो अभाव उठो तेजस है तो हमें तेजस तो शब्द क्यों प्रयोग किया गया है। स्थिति आशंका हो बोलते आप देखिए ऊपर आ जाए भाषण विषय सुन्नाया प्रज्ञाया केवल प्रकाश स्वरूपाया विषयित्वेन भवति इति तेजस। ठीक है, आनंद गिरी और भाष्य मिलकर के देखिए कितना स्पष्टीकरण है, क्यों उसको तेजस बोलेगा। सामान्य तेजस हमको लगेगा क्या कि जैसे घी तेल अथवा सोने के द्रव्य जो तेजस के रूप में उसके वैसे तेजस सत्य नहीं है, वहाँ पर विषय नहीं है फिर भी विषय बना करके ऐसी ये प्रविभक्त भूख के लिए भी ये जो है ये कारण बनेगा। इसी के कारण से ये प्रविभक्त भूख भी बनेगा। प्रविमित्त भूख मतलब क्या होता है, प्रविमित्त भूख मतलब विषय नहीं होते ये भी विषय का भोग करते हैं। स्थूल सूक्ष्म भोग ये बात नहीं है कि वहाँ पर मोटा मोटा वस्तु खाता है यहाँ पे पतला पतला द्रव्य, ये बात नहीं है। विषय नहीं होते भी विषय का भोग करते बोलेगा अपने आप सब यहाँ पे आ जाएगा। आनंद टीका को ठीक से पढ़िए। तो यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न अभिमानिन तेज विकारत्व अभाव कुत तेज सत्यमिति आशंका विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम। वहाँ पे विषय नहीं है परंतु प्रज्ञान है, विषय शून्य प्रज्ञा केवल प्रकाश स्वरूप है। उसमें क्या है, केवल मात्र प्रकाश स्वरूप है वहाँ आप स्वयं प्रकाश। इसलिए अत्यम पुरुष स्वयं ज्योति सब समय है वो, परंतु स्वप्न काल में स्पष्ट समझ में आता है, स्वप्न काल में स्पष्ट समझ में आता है। और कब समझ पाएगा, स्वप्न काल में नहीं, स्वप्न सुन करके जागृत में जब विचार करेंगे तब समझ में आएगा। कहाँ पे विषयित्व विषय और विषयी, विषय हो गया जिसको देख रहा हूँ और विषय मतलब जो देख रहा है, हाँ विषय जो विषय को भोग कर रहा है, जो विषय को भोग कर रहा है वो हो गया विषयी। बोलते हैं ना ये व्यक्ति विषयी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है, वो कहते हैं विषयी व्यक्ति है, उसमें विषय तो उसमें बैठेगा जिसमें घट में घटत्व है, तो विषय तो धर्म विषय भोग करना संभव है उसका। इसलिए आप बोलते हैं विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश रूप स्वरूपायाम, प्रकाश स्वरूप है वहाँ पे कहते हैं विषयित्वेन, वो विषय रूप भी होते हैं विषय रूप भी मान जाते, इसलिए इति तेजस इस वहाँ पे तेजस कहा गया, इसको तेजस कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टीका में फिर आ जाइए, मेरे समय होगा। ठीक है, स्थूल क्या और क्या करूँ मैं, एक घटक बताइए स्थूल विषय जस्याम वासनामय्याम न ज्ञायते तस्याम विषय संस्पर्शम अंतरेण प्रकाश मात्रतया स्थितायाम आश्रयत्वेन भवति इति स्वप्नदृष्ट तेजस विवक्षितः। ठीक है, देखिए स्थूल विषय जस्याम, स्थूल विषय न ज्ञायते, ध्यान देना अब यहाँ तक पंक्ति आएगा, जिस वासनामय अवस्था में, वासनामयी का सप्तमी एक वचन है, वासनामय अवस्था में सप्तमी एक वचन है ना, जिस वासनामय अवस्था, वासनाओं के विकार की अवस्था में वासनामय्याम यस्याम स्थूल विषय न ज्ञायते, जिस समय स्थूल विषय की ज्ञान नहीं होता, तस्याम उस अवस्था में विषय संस्पर्श मंत्र न, विषय के साथ आपका संस्पर्श नहीं हो रहा है, प्रकाश मात्र तया स्थित है, केवल वहाँ पे आत्मा का प्रकाश मात्र रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार वहाँ पे हम, इसलिए मैं बोला कि होलोग्राफी, होलोग्राफी क्या होता है कि आप जो है होलोग्राफी प्लेट के ऊपर प्रकाश का स्पेस में आपको फील है, मतलब विषय नहीं है, विषय दिखाई पड़ता है, विज्ञान सिद्ध कर देंगे। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, स्वप्न अवस्था में क्या हुआ, आपका ये होलोग्राफी माइंड, उस माइंड में आत्मा के प्रकाश से आपके सामने स्पेस में थ्री डायमेंशनल फिगर छोटा कमरा बंद सारा चीज दिखाई देने लगता है, यही इसका तो ये शब्द है। इसी यहाँ पे बोलते हैं स्थूल विषय जस्याम वासनामय्याम न ज्ञायते तस्याम विषय संस्पर्श उस अवस्था में, तस्याम मतलब उस अवस्था में विषय संस्पर्श अंतर विषय के संस्पर्श के बिना प्रकाश मात्र तया स्थित है, केवल मात्र प्रकाश रूप में विद्यमान है आत्मा, और बाकी आत्मा की जो मन मन की वासना वहाँ पर अभिव्यक्त आश्रय तेन भवति सीता उसके आश्रय के रूप में बनते थी स्वप्नदृष्टा, इसलिए स्वप्नदृष्टा पुरुष तेजस तेजस विवक्षित और तेज है इस प्रकार से कहना अभिप्रेत होता है। मैंने देते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप भी पढ़ के थोड़ा बैठ करके विचार करें, इतना समझ मान लिख भाष्यकार की एक पंक्ति के ऊपर टीका कर कितना समझ आई आप, टीका टीका इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा हमें कैसे ये क्यों हम अपने अपने मतलब हमेशा ध्यान रखना इसको, इसको मन में बैठना पक्का करके, क्या पक्का करके बैठना है, ये इस पैर के ऊपर चल करके हमें अपना स्वरूप तक पहुँचना है, जागृत काल में बैठ करके सारा स्वप्न स्थिति को विचार करते जाओ धीरे धीरे अपने स्वरूप में पहुँचना, ये हमारे अभिप्राय है। ठीक है, आज कहाँ कहाँ करेंगे वो शुरू पहला वाला श्लोक है ना जी।
अजमपि योनि योगं प्रापदैश्वर्य योगा आगति च गतिमत्यां प्रापदेकं ह्यनेकम् विविध विषय धर्म ग्राहि उपदेशनां प्रणत वयय विहृति ब्रह्मदत्तन्नतोऽस्मि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः